खरगोन में 3000 से अधिक लोगों के साथ एक निजी बैंक के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अधिक ब्याज देने का लालच देकर हजारों की एफडी कराई गई थी। बैंक के अधिकारी कर्मचारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। कई पीड़ित महिलाओं ने बेटी की शादी के लिए एफडी कराई थी। शहर के शिवशक्ति नगर में संचालित हो रही विजन म्यूचुअल बेनिफिट निधि नामक निजी बैंक ने करीब 6 माह से फरार मालिकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों ग्राहक कोतवाली पहुंचे। उपभोक्ताओं ने बताया कि बैंक सहकारी संस्था की तर्ज पर आईटी के रूप में काम करती थी और रोजाना कलेक्शन के जरिए रुपये जमा करते थे। करीब 3000 ग्राहकों के लाखों रुपये बैंक में अटके हैं। इसमें अधिकतर ग्राहक मजदूर और छोटे कारोबारी हैं। शिकायत करने पहुंचे ग्राहकों में कई महिलाएं भी थी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये जमा किए थे। इन्हें 2 साल में ब्याज के साथ रुपये लौटाने का भरोसा दिलाया गया था। अब बैंक अफसरों कर्मचारियों के फरार होने के बाद से ग्राहक अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से परेशान होकर ग्राहक झांसा देकर ठगने वालों पर कार्यवाही और रुपये वापस दिलाने की मांग को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि करीब 5 माह पहले 4 सितंबर को भी शिवशक्ति नगर पर इस फाइनेंशियल संस्था पर ग्राहकों ने राशि नहीं लौटाने पर हंगामा किया था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्यालय सील कर दिया था। ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि करीब 5 माह बीतने के बाद भी पुलिस की ठोस कार्यवाही नहीं होने से ग्राहकों को राशि नहीं मिल पाई, नहीं बैंक के जिम्मेदार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये विगत 3 वर्षों से विजन नामक बैंक संचालन कर रही थी खरगोन शाखा खरगोन के अंदर, और ये विजिट करती थी मार्केट में और दुकान दुकान जाकर और घर घर, और ऐसे ऐसे लोगों का पैसा लेके गई है ये बैंक। और इतना फर्जीवाड़ा किया है इस बैंक ने कि समझते जैसे सब्जी वाले हुए या अम्मा हुए, हर किसी के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक 3 लाख रुपए तक की राशि ये लोग लेके गए हैं। और इनसे लगभग बात होती है तो ये फोन भी बंद कर लेते हैं, सबके फोन भी बंद हो चुके हैं और इसमें कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। और 5 महीने पूर्व यहाँ पर कार्रवाई की गई थी जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए पुलिस थाने में शिकायत की, कब की थी और क्या हुआ? ये पिछले 5 महीने पहले शिकायत की थी इसकी, पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ और लोग इसी कारण परेशान होकर आज फिर से जमा हुए हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि लोगों का पैसा बहुत समय से डूबा हुआ है, ये आने की कोई निश्चित उपाय नहीं निकल रहा। जिस दिन आपने शिकायत की थी जब कुछ बैंक कर्मियों को यहाँ पुलिस लाई थी, कुछ पूछताछ? हाँ, पूछताछ उनकी हुई थी पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो लोग आए भी नहीं और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिला उनका। जब बैंक के खाते खुले होंगे आपके तो उन लोगों ने आपको रजिस्ट्रेशन दिखाया होगा क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन दिखाया और ये भारत सरकार द्वारा पंजीकृत छपवा रखा था ये बैंक के ऊपर कि हम RBI के रूल्स में काम करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी और लोगों को ट्रस्ट करवाया था, कन्विंस किया था, और उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला है, ये पैसा लेके भाग गए फ्रॉड लोग थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज शेख। कितना पैसा जमा था आपका? क्या 2800। दाल की मजदूरी करती हूँ, मैंने जमा करा। तो पुलिस में शिकायत की, क्या कहते पुलिस वाले ने? क्या कहीं नहीं बोला हमको, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम तो पैसे वाले। क्या नाम है आपका? समर्थी भाई। पैसा कलेक्शन किया लोगों से, FD भी कर रहे, RD भी कर रहे, डेली कलेक्शन भी कर रहे। क्या है पूरा मामला, कितनी राशि लेकर भागे लोग, कितने खाते दार? मामला ये है कि 3 महीने पहले लगभग 3000 खातेदार थे जिनसे डेली कलेक्शन होता था और RD भी बनाई थी। 3000 खातेदारों के लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच में पैसे लेकर वो चले गए हैं। अब जाने के बाद क्या है कि यहाँ पर जो भी उनके मैनेजर थे, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, वो यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली से फ़ोन पे बात करते हैं कि आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और पुलिस ने 3 महीने पहले सितंबर में जाकर जगह को सील कर दिया था, जगह आज भी सील है, पर अगली प्रोसेस अगली कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, ना उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसमें किसी तरह की गिरफ्तारी भी नहीं? जब पहले दिन आप लोगों ने जब शिकायत की थी उस दिन पुलिस ने नहीं, किसी तरह की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। हम वही मांग लेके आए हैं कि हम FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी की अभी तक FIR भी नहीं दर्ज हुई है। फ्रॉड का केस है, फ्रॉड की FIR, इसके बाद FIR दर्ज के बाद हम कार्रवाई चाहते हैं कि लोग जो पैसे लेके भाग गए वो गिरफ्तार किए जाए। जब ये लोग यहाँ मिलते थे बैंक जो मैनेजर वगैरह, ये लोग उनसे कभी बात हुई आपकी? जैसे जब से जब बैंक भगी है तब से मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर कोई नहीं मिला, सिर्फ वही लोग मिलते हैं कि जो कलेक्शन करने आते थे, मतलब उन्होंने अंडर में जो कलेक्शन करने के लिए बंदे रखे थे सिर्फ वही बंदे मिलते हैं, बाकी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सिर्फ फोन पे बात करते हैं कि हो जाएगा। किसी तरह का आश्वासन देते हैं वो? आश्वासन ये देते हैं कि देखिए सबसे पहले जैसे भगी थी उसके 1st महीने उन्होंने जम्मू कश्मीर का बहाना ले लिया कि वहाँ दवाई
वाली है बंद हो गई है अभी वो जम्मू कश्मीर, तो बोले जैसे चालू हो जाएगी पेमेंट आ जाएगा। अब जम्मू कश्मीर चालू हुआ तो बोले हमने दवाई गोली की वो बंद कर दी है, अब बोले हम दिल्ली में प्लाट बेच के देंगे। अब उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में प्लाट बेच के देंगे, अभी फिर ये माना कर रहे हैं कि एनआरसी के कारण बोले दिल्ली बंद है, तो अभी नहीं बोले दो चार महीने बाद जैसे प्लाट बेचना चालू होगा वैसे देंगे। तो क्या माना जाए कि आप लोगों से राशि एकत्र करते इन लोगों ने जमीन जायदाद खरीदी, जमीन खरीदी, ये इस बारे में क्या कहेंगे? अलग तो यही रहा है कि राशि एकत्रित करके वो कहीं पर भग गए। अगर सुनवाई नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम ये उठाएंगे अगला कदम कि भाई कलेक्टर जन सुनवाई में जाएंगे, इसके बाद एक सामूहिक रूप से पैसा 100-200 रुपए जो भी एकत्रित करके कोर्ट हाई कोर्ट से स्टे दिलवाएंगे और आदेश दिलवाएंगे नोटिस की आज तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। ठीक है, ये हमारी अगली प्रोसीजर है और हम आप लोगों से भी यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन दें। क्या नाम लिखा है? सौरभ पांडे। ये शिव शक्ति नगर खरगोन का मामला है। यहाँ विजन बैंक नाम से एक माइक्रो फाइनेंस खोला गया था जिसमें लोगों ने 2-2.5 हजार रुपए के हिसाब से किस्तें कुछ जमा करा रहे थे, उसके बाद अचानक ये बिना किस्तें दिए और बिना पैसे बटाए उसको बैंक को छोड़कर भाग गए, उसको पुलिस ने बंद करवा दिया है और इस मामले की जांच करके FIR की जा रही है। सर पहले भी जैसे शिकायत हुई थी उस समय कुछ मतलब उसको सील भी किया गया, क्या कार्रवाई हुई उसमें, कुछ पूछताछ हुई? जो बैंक के कर्मचारी हैं और जो ब्रोकर हैं जिनके माध्यम से पैसे लोगों ने इकट्ठे किए हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और बैंक ये किससे जुड़ा हुआ है, इसके मेन जो डायरेक्टर से वो कौन है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। भारत सरकार का हुक्म बता रहे, रजिस्ट्रेशन भी बता रहे थे, क्या इस पहले भी कोई जांच नहीं देती? चूंकि बैंक में जो संबंधित लोग होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं मिले हैं, उन्हीं सभी तथ्यों पे पता लगेगा जैसे ही खुलवा के उसको उसके पेपर्स आएंगे या जो जिनके नाम आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस टाइप की जो भी बैंक में ऐसी संचालित हो रही है जिनमें फ्रॉड होने की संभावना है उनका एक अलग से रेट चला के पता किया जा रहा है कि वो किस टाइप के बैंक है और वास्तव में अधिकृत हैं भी या नहीं, इस टाइप का एक अभियान हम लोग चला के ऐसी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि जो शहर में इस तरह के बैंक संचालित हैं उनके पूरे डिटेल्स हम लोगों के पास हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी